अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिद्धार्थ फूड फैक्ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ फोर डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप किसी भी दावत में बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हरियाली कबाब तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने चार पांच हरी मिर्चें ली हैं, धनिया लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया इसके अंदर, और 1/4 कैप्सिकम लिया था। इन सब चीजों को हम अच्छे से चॉप करके एक हरा मसाला यानी कि हरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं चिकन लूंगी, बोनलेस चिकन लिया है मैंने। चिकन का कीमा है 400 ग्राम। उसके अंदर हम ये हरियाली पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप इसे हरे मसाले के कबाब भी बोल सकते हैं या हरियाली चिकन कबाब भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं, 1 नींबू निचोड़ दिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल किया है। ये अच्छा सा हम मिक्स करके इसे पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये कबाब बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। आप इसका फौरन से भी शेप देके कबाब फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से हम हैंड्स को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और 2 टेबलस्पून के बराबर बैटर लेकर उसको हाथ में इस तरह एक कबाब की शेप तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ओवल शेप में आपने कबाब बनाना है और इस तरह से कोई आइसक्रीम स्पून या कोई बारबेक्यू स्टिक लेकर आपने इसके अंदर निशान बना लेने हैं, या आपने इसके अंदर पैटर्न जैसे बोलते हैं या स्लिट्स बोलते हैं वो आपने इसके ऊपर बना देनी है। ये बहुत यूनिक रेसिपी है। ईद की दावत के मेन्यू में अगर आप इसे ऐड करेंगे तो सब लोग आपकी तारीफ करेंगे कि आपने इतने मजे के कबाब बनाए हैं जो ना सिर्फ प्रेजेंटेशन में अच्छे, देखने में खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही मजेदार है। अब इन सबको मैंने इस तरह शेप दे ली थी कि थोड़ा सा मैंने पैन में ऑयल ऐड किया है, तकरीबन आधा कप। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। जैसे ऑयल गर्म हुआ है मैंने उसके अंदर सारे कबाब इस तरह से रख दिए हैं। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, फ्लेम बहुत ज्यादा हाई नहीं करनी। जैसे ये एक साइड से कुक हो जाएंगे, दूसरी साइड जो नीचे इसको प्लेन है, जो पैटर्न वाली साइड है वो मैंने ऊपर रखी थी, साथ ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है तो इसके ऊपर देखें आप किस तरह से पैटर्न बन रहा है। शुरू में आपको लगेगा कि शायद ये डिजोल्व हो गए हैं, बिल्कुल ये फ्लैट हो गया है, लेकिन नहीं, जब आप फ्राई कर लेंगे उसके बाद आपको ये क्लियरली पैटर्न विजिबल नजर आएगा कि कितने खूबसूरत कबाब आपके बन के तैयार हुए। जिस तरह आप ग्रिल पैन में बनाते हैं उस तरह से आपने ये तैयार कर लिया एक सिंपल सी ट्रिक के साथ। सीख कबाब और चपली कबाब हुए पुराने, अभी सीख पे चिकन हरियाली कबाब बनाइएगा। सेकंड दावत स्पेशल रेसिपी की तरफ चलते हैं, चिकन तवा पीस बनाएंगे। आपने अक्सर ढाबों पे और होटल्स पे लोगों को ये खाते हुए देखा होगा। ये इंस्टेंट बनता है, बिल्कुल तवे के ऊपर इसको फ्राई करके बनाया जाता है। इसके लिए मैंने चिकन के लेग और थाई पीसेस लिए। इस तरह से बड़े पीस कटवा लीजिएगा। इसके अंदर हम कट्स लगाएंगे, इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन में बहुत सिंपल से मसाले इस्तेमाल करूंगी मैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट है, थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, और 2 अदद जो है इसमें लीमू निचोड़ देंगे। अच्छे रस वाले लीमू हो तो आप ऐड कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिरका भी यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया मैंने। मैरिनेशन हमारी रेडी हो चुकी है। हम चिकन के पीसेस को अच्छी तरह इस मसाले में मैरिनेट कर लेंगे, और अगर झटपट बनाना हो तो 1 या 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करना भी काफी होगा। इस तरह से फिर अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है या मेरी तरह आपको ग्लव्स पहन के काम करना मुश्किल लगता है तो एक ब्रश की मदद से सारा मसाला हम इस तरह से चिकन के ऊपर लगा देंगे, अच्छे से इसको मैरिनेट करेंगे। दूसरे पीस को भी इसके साथ रख के, ये मसाला 2 चिकन पीसेस के लिए काफी था। अगर आप ज्यादा बनाना चाहें तो आप इसे इस क्वांटिटी से डबल कर लीजिएगा। अब यहाँ मैं इसे मैरिनेट करके रख दूंगी। एक मैंने लिया है ग्रिल पैन, आप फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा पैटर्न आ जाता है, देखने में खूबसूरत लगता है। तवे पे भी आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, जो चिकन का मैरिनेट बचा था वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे लो फ्लेम पे। अब देख सकते हैं मैंने पीसेस थोड़े छोटे लिए हैं क्योंकि इसे पकने में टाइम वैसे तो चिकन को कम लगता है, लेकिन अंदर से अच्छी तरह गलना भी जरूरी है। तो यहाँ पे इसका कलर देखिए चेंज होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा ये गोल्डन ब्राउन सा होने लग गया था। फिर मैंने फ्लेम लो कर दिया था, इसके ऊपर पैटर्न भी आ गया है, तो हमने कट्स लगाए थे उसकी वजह से ये जल्दी कुक हो गया। इसको मजीद चटखारेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल कर देंगे। ये हमारा योगर्ट का मिक्सचर रेडी हो गया है, इस पर कुछ भी ऐड नहीं किया। फिर यहाँ पे मैंने इसे तवे के ऊपर रख लिया है। अब जो लास्ट स्टेप है वो हम तवे के ऊपर ही करेंगे। अगर आप ग्रिल पैन में कुक नहीं करना चाहते तो आप इसे पहले फ्राई भी कर सकते हैं या आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे तवे पे पका लीजिएगा। होटल्स वगैरह में डायरेक्ट तवे के ऊपर ही बनाया जाता है, लेकिन उनके पास बड़े साइज के तवे होते हैं, हीट को भी अच्छे से आपने फिर कंट्रोल करना होता है ताकि चिकन आपकी बाहर से सिर्फ ना जले अंदर से भी पक जाए। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर योगर्ट ऐड कर दिया जिसके अंदर चाट मसाला मिक्स किया था। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी और चिकन को इसके साथ हम पकाते जाएंगे। इसके अंदर जो भी
फ्लेवर है वो सारा चिकन में चला जाएगा। दही थोड़ा सा खट्टा ले लीजिएगा। अब यहाँ 4 से 5 मिर्चों को मोटा मोटा काट लिया था, वो भी ऐड कर दी है। जिस तरह से आप देखें दही खुश्क होता जा रहा है, पकता जा रहा है, इसके साथ इसके अंदर मजीद फ्लेवर ऐड होता जा रहा है, इसीलिए इसको चटखारा तवा पीस बोलते हैं। अब इसके अलावा मैंने जो बाकी दही रह गया था वो शामिल कर दिया है। इसी तरह लो फ्लेम पे इसको कुक करूंगी। आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई बनाना चाहें तो इसे ड्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर प्याज ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा धनिया हम इसके ऊपर ऐड करेंगे खूबसूरती के लिए, देखने में खूबसूरत लगता है। लेमन ऐड कर देंगे, आप मजीद चाहें तो इसके ऊपर लेमन स्क्वीज भी कर सकते हैं। ये चिकन लवर्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है जो आप ईद पे बना सकते हैं। ईद पे ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ कोई डिफरेंट डिजर्ट रेसिपीज भी होनी चाहिए, ऐसा मीठा जो बच्चों और बड़ों दोनों का फेवरेट हो। ईद के पहले दिन तो हम शीर खोरमा या खीर वगैरह बना लेते हैं, लेकिन अगर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपने किसी के लंच या डिनर पे दावत की हुई है तो आपको समझ नहीं आता कि कौन सा मीठा बनाएं, तो जो चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए ओरियो डिलाइट बहुत ही मजे की रेसिपी है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब बिस्किट्स को मैंने इस तरह से अलग कर लिया है, क्रीम को हम रिमूव नहीं करेंगे। आप इसको किसी चॉपर में ग्राइंड कर लीजिएगा या फिर इस तरह से जिप लॉक बैग में लेकर किसी बेलन या हैवी चीज से आप इसे क्रश कर लीजिएगा। इसमें ज्यादा बारीक ग्राइंड नहीं होते, लेकिन आप चॉपर में अगर करें तो वो बहुत बारीक हो जाते हैं। हमें ज्यादा बारीक ही चाहिए, मोटे बिस्किट्स हमें नहीं चाहिए। अब इनको सेट करने के लिए 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हम बटर के साथ मिक्स कर लेंगे। ओरियो बिस्किट्स काफी स्वीट होते हैं तो इसमें कोई कंडेंस मिल्क वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह से आप कोई स्वीटिश बोल ले लें या छोटा सा ग्लास ले लें, उसके अंदर हम ओरियो बिस्किट्स के 3 टेबलस्पून ऐड करके उसे चम्मच की मदद से या किसी और ग्लास की मदद से हार्ड चीज जिससे आप प्रेस कर सकें ऊपर से हम सेट कर देंगे। उसके बाद आप देखें इस तरह से इससे 3 से 4 ग्लास रेडी हो जाएंगे। सेकेंड लेयर हम इसके ऊपर चॉकलेट मूस की ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट ली है जो तकरीबन 70-80 ग्राम्स थी। इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम के 3 टेबलस्पून ऐड करूंगी और इसे ओवन में मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास ये डार्क चॉकलेट मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैंने 100 ml व्हिपिंग क्रीम ली है, इसको मैं बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लूंगी। जब क्रीम हमारी सॉफ्ट पीक्स बनाने लग जाएगी तो उस पॉइंट तक हम इसे बीट करें। व्हिपिंग क्रीम भी स्वीट है, इसके अंदर भी कोई शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब ये साइज भी अपने डबल हो चुकी है, इसको मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूंगी। मुझे 50 ml क्रीम अलग एक बोल में निकाल लूंगी और 50 ml अलग रख देंगे। अब जो हमने चॉकलेट मिक्सचर बनाया था उसको हम हाफ क्रीम के अंदर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास चॉकलेट मूस रेडी हो जाएगा। बहुत आसानी से ये बन जाता है और इतना डिलीशियस टेस्ट बनता है इसका, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब ये देखें आपके पास कितनी क्रीमी स्मूथ कंसिस्टेंसी का ये मिक्सचर रेडी हो गया है। ये चॉकलेट मूस है, ये थोड़ा सा फ्लोई रखिएगा। अब जो बाकी की व्हिपिंग क्रीम है इसके अंदर मैं ओरियो बिस्किट के क्रम्स ऐड कर दूंगी। 3-4 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी 3rd लेयर जो मैंने इसके ऊपर लगानी है वो रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। इसके ऊपर सबसे पहले क्रीम की लेयरिंग करेंगे। आप बच्चों को भी ये रेसिपी सिखा सकते हैं, किचन में वो आपकी हेल्प करना चाहें तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है। आप उनको बताइएगा कि इस तरह से मिक्स करें और इसके ऊपर लेयरिंग करते जाएं, वो बहुत आसानी से सीख लेंगे। अब मैंने छोटे स्पून की मदद से इस लेयर को सेट कर दिया है। अब चॉकलेट मूस की लेयर लगाऊंगी, इसके 2 टेबलस्पून ऐड किए थे, इसको भी इतना छोटे स्पून की मदद से मैं सेट कर लूंगी। बहुत ईजिली सेट हो जाएगी। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। बेस में ओरियो बिस्किट सेट किए थे, सेकेंड लेयर व्हिपिंग क्रीम की लगाई है, 3rd लेयर चॉकलेट मूस की लगाई है। अब इसके ऊपर 4th लेयर दोबारा से हम व्हिपिंग क्रीम की लगाएंगे, इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे। और आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखिएगा, आप रात को बना के रख दीजिएगा। ईद से पहले अगर आपकी कोई दावत प्रिपरेशन है उसमें ये चीज आप बनाकर एडवांस में भी रख सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह से ओरियो बिस्किट रखेंगे और थोड़े से बिस्किट क्रम्स ऐड कर देंगे। कितना खूबसूरत ये डेजर्ट कप रेडी हो गया है। ईद दावत हो या बर्थडे पार्टी, दोनों के लिए ही ये बहुत ही बेहतरीन मीठा है, जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी शेयर करूंगी ये उन लोगों के लिए है जिनको मटन या बीफ खाना पसंद नहीं होता। तो ईद पे ज्यादातर गोश्त के पकवान बनाए जाते हैं, तो आप लोग ये चिकन के चपली कबाब जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें ये तमाम मसाले शामिल हैं। सबसे पहले मैं चिकन का कीमा लूंगी जो कि तकरीबन 400 ग्राम के बराबर है। आप दुकान से भी इस तरह से कीमा बनवा सकते हैं। अगर बोनलेस चिकन हो तो आप घर पे भी कटिंग बोर्ड से बड़े नाइफ की मदद से ये कीमा तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा जो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। फिर यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज ली थी और उसको बारीक सा चॉप कर लिया था, आप इसको भी शामिल कर देंगे। इसमें से अभी मैंने पानी रिमूव नहीं किया हुआ। चिकन के कबाब बहुत ज्यादा खुश्क ड्राई बन जाते हैं, इस वजह से प्याज को बिल्कुल निचोड़ के खुश्क करके डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी है, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें थी। और टमाटर एक मैंने लिया था, उसको भी चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें खुश्क मसाले शामिल करेंगे। खुश्क मसालों में मैंने 2 तरह की मिर्चें ली हैं,
जीरा लिया है, धनिया पाउडर लिया है और नमक लिया है। ये तमाम चीजें मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर ली हैं। ये सब कुछ इसमें अब चला जाएगा। चपली कबाब क्योंकि नान के साथ खाए जाते हैं इसलिए मसाले थोड़े से तीखे रखेंगे। अगर ये मसाले कम डालेंगे तो फिर बहुत फीका सा जायका आता है। अब इसमें मैं एक अंडा डालूंगी, उसको मैंने फेंट के पहले से अलग से रख लिया था। अब ये तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिले। शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया था कि एज कम्पेयर टू बीफ या मटन, चिकन के चपली कबाब कुछ थोड़े खुश्क से बनते हैं, इसलिए मैंने पानी निचोड़ा नहीं था, प्याज इसी तरह से शामिल कर दिया था। 20 मिनट के लिए इस मिक्सचर को अगर इस तरह पड़ा रहने दें तो इसमें से टमाटर और प्याज का थोड़ा सा पानी निकल आएगा। उसको खुश्क करने के लिए हम एक चीज ऐड करेंगे, अदरवाइज हमारे कबाब टूट जाएंगे। इस तरह कबाब नरम तो बनेंगे लेकिन फिर टूटने का डर होगा, तो उसके लिए मैं इसमें बेसन ऐड करूंगी। तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर के हम इसमें बेसन के शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। टिप ना सिर्फ चपली कबाब के लिए बल्कि सीख कबाब के लिए भी है, अगर आप उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे तो सीखों से कबाब गिर जाएंगे। बड़ी ईद पे लोग खासतौर पर बारबेक्यू का इस्तेमाल करते हैं, गोला कबाब और सीख कबाब वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ लोग ब्रेड क्रम्स ऐड करते हैं, लेकिन अगर आप बेसन ऐड करेंगे और बेसन को थोड़ा सा भून के ऐड कर दें तो बहुत ही ज्यादा मजेदार जायका बनेगा और कबाब जो है बहुत अच्छे तैयार होंगे। हाँ, मैंने फ्राइंग पैन में 1 कप तेल लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे क्योंकि ठंडे तेल में कबाब नहीं डालने। इस तरह इसको मैंने प्लेट में बना के रख लिया था, अब मैं इसको ऑयल में शिफ्ट कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि ये फौरन से पकना शुरू हो गया है, तेल अच्छा खासा गर्म था। हाथ गीला करके चपली कबाब जो है उसको बनाएं, अपने हाथ के ऊपर ही बनाएं और फौरन से प्लेट में शिफ्ट कर दें ताकि वो टूटे नहीं, और उसको स्पैचुला की मदद से फ्राई पैन में शिफ्ट कर दें। अगर आपने कभी पिशावरी चपली कबाब खाए हो या चपली कबाब बनते हुए देखे हो तो उन्होंने बड़ी सारी कढ़ाई में तेल गर्म करके रखा होता है, वो फौरन से चपली कबाब तैयार करते हैं हाथ गीला करके और उसको प्रेस करके पैन में गिरा देते हैं। बहुत पहले से वो चपली कबाब बना के नहीं रखते, वो फ्रेश बनाते हैं और इस तरह से वो जल्दी पक जाता है क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है ऑयल का। अगर आपके पास बड़ा पैन हो तो आप इस तरह से एक वक्त में 2 या 3 कबाब भी फ्राई कर सकते हैं। अब ये इसको मैं हाथ से भी आपको डाल के दिखा देती हूँ। ये जो ऑयल के टेम्परेचर वाली टिप है और सेकंड जो बेसन और अंडा मैंने इसमें ऐड किया था, इसकी वजह से हमारे चपली कबाब बिल्कुल भी टूटे नहीं है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ईद की दावत में या लंच में साइड डिश के तौर पर बनाइएगा और नान के साथ सर्व कीजिएगा, साथ में सैलड वगैरह और चटनी भी हो तो मजा दुबाला हो जाएगा। चिकन के चपली कबाब दावत में साइड डिश के तौर पे बहुत ज्यादा बेस्ट रहते हैं। आप इसे बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और जैसे ही आपने दावत का मेन्यू प्लान करें तो आप इसे चपली कबाब को निकालें और फ्राई कर लें। अब लास्ट रेसिपी जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगी, पिज्जा ब्रेड की है। बच्चों और बड़ों दोनों की फेवरेट होती है ये, बहुत ही डिफरेंट है, चिकन ब्रेड से थोड़ी हटके रेसिपी है, बड़ी मजे की बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप में तकरीबन 1 क्वार्टर पानी ले लिया था, नीम गर्म पानी लिया था, उसमें 1 टेबलस्पून ईच शामिल की है, 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। इसको रूम टेम्परेचर पे ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, कवर करके रखेंगे, अच्छे से राइस हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा राइस हो चुकी है क्योंकि अभी गर्मी आ गई है, थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म हो गया है। यहाँ पे मैंने 1 कप बड़ा मैदे का ले लिया था, उसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया था। अब ये ईस्ट शुगर वाला मिक्सचर जो है हम इसमें ऐड करके डो गून लेंगे, पहले चम्मच से मिक्स कर लेंगे, फिर हल्के हाथों से सॉफ्ट सी हमने डो तैयार कर। चिकन ब्रेड की रेसिपी तो आप सभी को बनानी आती होगी लेकिन ये उससे थोड़ी डिफरेंट बनती है, पिज्जा का टेस्ट होता है, इसमें चीज ऐड करते हैं। पिज्जा ब्रेड की रेसिपी बहुत ही आपको पसंद आएगी तो जरूर ट्राई कीजिएगा। डो को आपने नीम गर्म पानी से गून लेना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट लगाकर गून लेंगे। ये गूनते हुए आपको थोड़ी स्टिकी सी लगेगी, हाथों से चिपकेगी भी। ये देखें कुछ इस तरह की डो हमारी बन गई है, बस आपने इसको कवर करके 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देना है, इसको राइस होने देना है क्योंकि इसमें ईस्ट शामिल की है तो ये काफी ज्यादा फूल जाएगी। तब तक हम पिज्जा ब्रेड की फिलिंग तैयार कर लेंगे। फिलिंग के लिए मैंने एक पैन लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। मैंने 200 से 250 ग्राम्स चिकन के क्यूब्स लिए थे, इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि चिकन के जो भी एक्स्ट्रा जूसेस हैं वो खत्म हो जाए, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा। साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूंगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके साथ आप चिकन को भून लें। अगर आपके पास फ्रीजर में पहले से मैरिनेटेड चिकन चंक्स पड़े हो तो ये आपका टाइम सेव हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब इसमें मैंने चॉप कैप्सिकम ऐड की है, यानी कि बेल पेपर, शिमला मिर्च
आधी शिमला मिर्च मैंने काट के इस तरह से शामिल कर दी है, साथ ही इसमें मैं एक प्याज चॉप की हुई वो शामिल करूंगी। पिज्जा में ये दोनों चीजें होती हैं, इससे बहुत अच्छी फीलिंग तैयार होगी। अब स्पाइसेस ऐड करूंगी, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, सॉल्ट है एंड ब्लैक पेपर पाउडर है। तीनों चीजों को ऐड करके थोड़ा सा चिकन के साथ कुक कर लेंगे। आपने मेरी तमाम इफ्तार स्पेशल वीडियोज को बहुत ज्यादा पसंद किया है, ये वीडियो भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब इसे कुक कर लिया है मैंने 4 से 5 मिनट के लिए। अब देखते हैं इस तरह का कुछ हमारा रेडी हो गया स्टफिंग। इसमें मैंने 4 से 5 ऑलिव्स लिए थे, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था वो ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर ऐड किया, इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। साथ इसमें फिर मैं मिल्क ऐड करके व्हाइट सॉस तैयार कर लूंगी। मिल्क तकरीबन मैंने 1/4 कप ऐड किया था, आधे कप से भी काम चल सकता है। अगर आप इसे थोड़ा सा थिक रखना चाहते हैं, वैसे ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाती है, तो आधे से ज्यादा कप ही ऐड कर लें तो अच्छा रहेगा। ये देखिए देखने में भी कितनी अच्छी हमारी क्रीमी सी फिलिंग और स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसे हम थोड़ा सा कुक करेंगे और बाकी की चीजें ऐड करेंगे। इसमें मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स चाहेंगे 1 टीस्पून, और यहां मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और हमारी फिलिंग मजे की तैयार हो गई है। बाज लोग रेशे करके चिकन यूज करते हैं, लेकिन पिज्जा ब्रेड में चिकन चंक्स चाहेंगे जैसे कि पिज्जा में होते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। अब डो हमारी देखें, 1.5 से 2 घंटा हो चुका है, काफी राइज हो गई थी, काफी स्टिकी भी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और ऑयल के साथ इसको मैं थोड़ा सा गूंद लूंगी इस तरह से। आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपक रही, फूल भी काफी गई है, तो ये अच्छी डो की निशानी है कि आपकी ब्रेड काफी अच्छे से राइज हो जाएगी, डो आपकी अच्छी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा खुश्का लूंगी, वो भी मैंने मैदा ही लिया है। मैदे के साथ इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये शेल्फ के साथ या जिस चीज पे भी आप रख के बेलेंगे उसके साथ ये चिपकेगी नहीं। तो अब मैं इसे बेलन के साथ एक लंबी शीट की फॉर्म में बेल लूंगी। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ भी सकते हैं अगर आपकी डो ज्यादा स्टिकी हो रही हो। अब मैंने इसको इस तरह से बेला है, सेंटर में मैं इसकी फिलिंग ऐड करूंगी और साइड से इसे फोल्ड करूंगी। इसकी फोल्डिंग को आप देखिएगा थोड़ी सी डिफरेंट है प्रोटीन की चिकन ब्रेड से। आप जब डो को बेलेंगे तो वो सेंटर से तो बारीक हो ही जाती है, तो आपने किनारे जो है स्पेशली उसको अच्छे से बेल लेना है क्योंकि ये डबल फोल्डिंग होगी। अब ये देखिए मैं इस तरह से उठा के पहले साइड से बारीक बारीक इसको फोल्ड कर लूंगी, फिर दूसरी तरफ से इसे हमने फोल्ड करना है। ये मैं इसकी बात कर रही थी कि आपने किनारे अच्छे से बेल लें क्योंकि ये डबल फोल्डिंग होगी। इस तरह से दोनों साइड से हम इसे कवर करके इस शेप में पिज्जा ब्रेड हमारी बन गई है। अब मैं एयर फ्रायर में बेक कर रही हूँ, आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। एयर फ्रायर में 155 डिग्रीज पे ये बेक हो जाती है, 12 से 15 मिनट में बहुत अच्छा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाता है। तो पहले आपने इस तरह से ब्रेड को रख के 5 मिनट के लिए बेक करना है, और उसके ऊपर मैंने एग वॉश लगाया था सिंपल, अभी ब्रश की मदद से एग वॉश लगाकर आप इसे 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने कैप्सिकम रखी है, ऑलिव्स रखे हैं, चीज वगैरह ऐड करूंगी, फिर दोबारा से इसे मैं 8 मिनट के लिए बेक करूंगी। यहाँ पे मैंने मोजरेला चीज को इस तरह श्रेड कर लिया था, सिर्फ मोजरेला चीज ही ऐड करूंगी। अगर आप चाहें तो चेडर चीज भी ऐड कर सकते हैं, ये जो पिज्जा चीज मिलती है बाजार से वो ऐड कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की सब रेसिपीज बहुत अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।